तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है मोबाइल स्टोर। गाइस, इस गेम के अंदर हमारी एक छोटी सी शॉप होने वाली है जिसके अंदर हम तरह तरह के मोबाइल बेचने वाले और साथ ही साथ कुछ और भी टैबलेट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होने वाली है। और उन सब चीजों को बेच बेच के हमारी शॉप को हमें अपग्रेड करना है और साथ ही साथ बिजनेस को भी ग्रो करना है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के इस गेम प्ले में। तो गेम प्ले इवेंट तक ना जरूर से देखना। चलते फटाफट इस गेम में, बट उससे पहले वीडियो जल्दी से लाइक करो और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है। मैं आ चुका हूं बहुत ही प्यारी सी एक सिटी के अंदर, बट यहां पर ना एक जन खड़ा है जिससे शायद मेरे को शॉप को खरीदना है। मेरे पास लगभग ना 5,000-5,500 डॉलर है और उसके अंदर मेरे को शॉप भी खरीदनी है और उसके अंदर थोड़ा सा माल भी डलवाना पड़ेगा। टॉक टू ए रियल एस्टेट एजेंट एंड बाय ए बिल्डिंग। ओके, इसको खरीदते हैं और ये लगभग $3,000 का है और मेरे पास अभी बचे $2,500। तो अपना काम तो चल जाएगा, बट शॉप का नाम क्या रखूँ? एक तगड़ा सा नाम रखना पड़ेगा, MKW इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल शॉप या सिर्फ शॉप रखो। नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक सही रहेगा शायद। गाइस, फिलहाल मैंने नाम तो रख दिया है MKW इलेक्ट्रॉनिक और काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ओह वेट, यहाँ पर बेरीज क्यों है भाई? ऊपर एप्पल बनाना चाहिए ना, ये काफी अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, ये भी काफी ज्यादा मस्त ही लग रहा है, मतलब यूनिक होना चाहिए थोड़ा बहुत। और सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर ना शायद ये गाड़ी मेरी है क्योंकि यहाँ पर कब से खड़ी है भाई, या किसी और की है मेरे को पक्का पता नहीं। बट हाँ, यहाँ पर ना ऑप्शन है बैठने का। ओ, मैंने कहा था ना यार गाड़ी हमारी है। शॉप के साथ साथ मेरे को एक न्यू कार भी मिल गई। अभी चलते फटाफट से थोड़ा सा ना यहाँ पर राउंड राउंड करते हैं और इस वीडियो मेरे को देखना यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मस्त लग रही है। बट इसके अलावा हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या यार? सिर्फ मेरे को शॉप ही संभालनी है, गाड़ी दी है तो भाई कहीं ना कहीं। तो चलते फटाफट से शॉप के अंदर और थोड़ी बहुत सफाई करके फिर मेरे को सेटिंग भी करनी है यहाँ पर। वेट यार, मोबाइल रखने के लिए फिलहाल तो मेरे पास सेल्फ है, बट इस टेबल का मैं क्या करूँ? शायद से डिस्प्ले के लिए, हाँ हो सकता है। बट यार डिस्प्ले तो यहाँ पर भी आ जाएगा और ये टेबल, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो यहाँ पर जो भी कचरा उसको फटाफट से साफ करते हैं और फटाफट से शॉप करते हैं। मतलब यार मेरे को ऑर्डर देना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ताकि यार हमारा जो ऑर्डर है वो फटाफट से आ सके। गेट इन द कार। अभी कार के अंदर क्यों जाऊँ मैं? अभी तो जाके आया मैं। ओके कोई नहीं, ड्राइव टू द प्लेस इंडिकेटेड बाय द एरो। ओके, बट एरो है कहाँ? एक सेकंड, वहाँ पर कोई तो है। यार ये गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। इस गाड़ी को चलाऊँ? मेरे को धंधा करना नहीं है शायद। शॉप काउंटर परचेस, यू आर गोइंग टू बाय शॉप काउंटर एंड ओके फर्नीचर वगैरह वगैरह यहाँ से मैं खरीद सकता हूँ। ये गाड़ी के अंदर बैठना भाई, ये क्या हो गया, पागल है क्या? शिट, मेरे को पैदल जाना पड़ेगा क्या? ये गाड़ी में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? मेरी कार के अंदर मैं नहीं बैठ सकता। चलो चलते पैदल ही दौड़ना पड़ेगा और फटाफट जाके वहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा फर्नीचर मैंने मंगवाया, क्योंकि भाई मेरे पास ऑलरेडी है फर्नीचर। तो यहाँ पर नया क्या है? हेलो भाई, यार ये जो सेल्फ था इसके मैंने, ओ वेट, ये रहा ना भाई, ये नया है, मतलब कि बिल बनाने के लिए ये काउंटर मेरे को चाहिए था और मेरे को पहले लगा था यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। अगर ये नहीं होगा तो भाई कस्टमर को मैं सर्व कैसे करूँगा? फाइनली गाइस, अभी देखते हैं शॉप के अंदर है क्या, मतलब कौन कौन से मोबाइल है। आईफोन है या वन प्लस है, यहाँ पर स्मार्टफोन कैश ब्लू। मोबाइल तो एक ही तरह का है, बट यहाँ पर कलर बहुत सारे और सबकी रेट वैसे सेम ही है। बट नीचे मेरे को देखना पड़ेगा, स्मार्टफोन है स्मार्टफोन ब्लैक, बट इनका एग्जैक्ट नाम क्या है यार? ओनली स्मार्टफोन सबके सब। बट यार इसकी रेट जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर मेरे को $2,000-2,500 के अंदर मेरे को 4 पीस मिलेंगे और उसके अंदर मेरे को मुनाफा कितना करना है ये तो मेरे ऊपर है। मोबाइल बहुत सारे देख लिए मैंने यहाँ पर, ब्लूटूथ, ओहो वाह यार, ये चीज़ तो मेरे को चाहिए थी। बट यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं मंगवाने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल मेरे पास $2,000 है और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है ये मेरे को देखना पड़ेगा, मतलब देख देख के चलना पड़ेगा। अगर सबके सब पैसे उड़ा दे तो भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स भी है। ओह ड्रोन शेल्फ, ये तो ऑलरेडी मेरे पास। प्लेटफॉर्म भी है, ये मतलब सब डिस्प्ले के लिए है। बट इसके अलावा मेरे को और भी कुछ देखना था, यहाँ पर टेबलेट भी होना था बट यहाँ पर है नहीं। मैनेज फेट प्रोडक्ट लाइसेंस, ओ भाई मतलब कि यार जो मैं चीज़ बेचने वाला हूँ उसकी मेरे को ना पहले से लाइसेंस भी ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके उस चीज़ को मैं बेच सकता हूँ। हेडफोन्स माइक्रोफोन्स इन सब का मेरे को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनको बेच सकता हूँ। ग्रोथ, इसके लिए मेरे को सेक्शन एक्सपेंड योर स्टोर बाय 8x32 फीट, मतलब कि शॉप को भी मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे कि यार माल बढ़ेगा उसी हिसाब मेरे को शॉप को भी बड़ा करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 294। चार कलर बहुत है क्या?
नहीं यार, सबके सभी मंगवाने पड़ेंगे मेरे को। $2,000 उसमें से मेरे पास करीब करीब $300 तो बचेंगे बचेंगे। फटाफट से ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर कब तक आएगा? एक सेकेंड, डिलीवरी का टाइम भी है इसके अंदर भाई, तो मेरे को वेट भी करना पड़ सकता है। फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं हमारे, जो भी डिलीवरी है काफ़ी ज़्यादा फास्टली हो रही है। बढ़ना धीरे धीरे, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर टाइम भी बढ़ता जाएगा। और उसके लिए मेरे को ना कुछ यूज़ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर टोकन है मेरे पास, सो ये टोकन यूज़ करने पड़ेंगे। फटाफट से यहाँ पर ना जो भी मोबाइल है यहाँ पर सेट कर देते, ताकि यार कस्टमर मतलब जो शॉप को फटाफट से ओपन कर सके और फिर कस्टमर की थोड़ी सेवा कर सके और पैसे भी अच्छे खासे कमा सके। 6 बॉक्सेस हैं, और 6 बॉक्सेस आने के बाद मतलब टोटल मैंने 6 कलर मंगाए। सेम मोबाइल है बट कलर अलग अलग है, और उनकी मेरे को प्राइस अलग करनी है या सेम ही रखनी है ये मेरे ऊपर डिपेंड है। बट उससे पहले ये जो भी काम है फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। शॉप को भी जल्दी जल्दी ओपन करना पड़ेगा। अभी ये लास्ट बॉक्स है, इसको रखने के बाद मेरे को प्राइस भी सेट करनी पड़ेगी, और कितना मेरे को कमाना है, मेरे को एक मोबाइल कितने में पड़ा ये भी मेरे को पहले देखना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं मतलब प्राइस भी सेट करने वाला हूँ। कचरे को साफ़ करते हैं और उसके बाद प्राइस भी सेट करते हैं। और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि भाई इस मोबाइल का एक पीस कितने में पड़ रहा है मेरे को। तो यहाँ पर बता रहा है कि कॉस्ट 36.75 और प्राइस है 36। मैं भी उतनी रखूँगा तो भाई कमाऊँगा क्या घंटा। और मार्केट प्राइस है 49, तो मेरे को ना करीब करीब 60 तो करना ही चाहिए शायद, या फिर थोड़ा सा कम ही रखता हूँ 55 के करीब। 55 ठीक रहेगा। वैसे मैं मार्केट से कुछ $6 ज़्यादा कमा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा भी नहीं। और इन सब की मैं सेम ही करने वाला हूँ, या कलर के हिसाब से मेरे को ना प्राइस अलग कुछ सेट करनी चाहिए, तभी जाके यार धंधा करने का मज़ा आएगा। रेड कलर है, ब्लैक की मैंने 55 की है, तो इसकी ना थोड़ा सा $1 कम करते हैं, 44 ठीक रहेगा, क्योंकि रेड कलर की डिमांड कम ही रहती है, मैंने देखा है हमेशा। और ये ब्लू कलर है तो भाई इसकी थोड़ी सी डिमांड है, तो इसको करीब करीब मैं कर दूंगा 55 के करीब। मतलब कि ब्लैक वाला जो है इसके सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ग्रे वाला इसकी तो भाई तगड़ी प्राइस है, तो इसको मैं कर दूंगा 56। ब्लैक है या नेवी ब्लू है, वायलेट कलर, तो इसको मैं कर दूंगा 54। टोटल की मैंने सेट कर दिया प्राइस, और अभी सेट करने के बाद मेरे को फटाफट से ना शॉप को ओपन करना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, एक सेकेंड यार, ऑलरेडी मेरे पास माल पड़ा है क्या? और मैंने फालतू खर्चा कर दिया। टैप ऑब्जेक्ट टू यूज इट। ये क्या है भाई, स्टोरेज? अगर बाई चांस मैं ज़्यादा माल मंगवाता हूँ तो शायद यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। टर्न द क्लोज्ड बेड्स टू ओपन द स्टोर, ओके। बट अभी मेरे को करना क्या है, शॉप को जल्दी जल्दी ओपन करना है। वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा माल तो है नहीं अभी, तो यार इसके वांदे पड़े, तो एक्स्ट्रा माल का घंटा मंगवाऊँ मैं। शॉप को ओपन कर दिया, बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बिल बनाने की जगह मेरे को 250 मिल चुके हैं, पहले मेरे को पता नहीं था। और मेरे को पहले शुरू में कुछ मिसिंग लग रहा था, मैं भी सोचू यार शॉप थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, और अगर ये नहीं होता तो भाई मैं बिल कैसे बनाता। वाओ, पहला बंदा आया, और भाई साहब इसने एक ग्रे और रेड कलर का मोबाइल खरीद लिया है, जो कि टोटल होता है इसके 110। चलो कल्टी मारो और वापस दोबारा से ज़रूर आना। ग्रीन कलर, ये रेड ग्रीन कुछ ज़्यादा ही बिक रहा है यार, ये सेलिंग अच्छी कर रहा है। वैसे इसकी मतलब मैंने प्राइस थोड़ी सी कम किया ना, इसलिए शायद इसके हो गए। इसने मेरे को कार्ड दिया, तो भाई मेरे को कार्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो नोट लेके आता है भाई उसको छुट्टे देना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंटाल आता है। 56 ने कौन सा कलर लिया, मैंने देखा नहीं यार। 50.5632। हैव ए गुड डे। ओ भाई यार ये क्या कर रही है, 1 2 3 4 5 6 मोबाइल लेके जा रही है, किसके लिए? तो पार्टी वाड़ी चले गया। इसका टोटल बिल हुआ है 332, तो इसको मेरे को वापस देने की थे $60। हैव ए गुड डे। सबसे बड़ा कस्टमर था मेरा यार, पहले दिन का पहला कस्टमर, इतना बड़ा वो भी। इसने भी भाई साहब सेकंड बिग कस्टमर, 4 मोबाइल, तो इसके कितने टोटल, $219 ये हो गए, 219.14। चलो भागो यहाँ से। इसने भी 3 ले, मतलब यार पहले दिन में शॉप इतनी ग्रो करेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे पास टोटल कितने पैसे थे, $2,000 थे, और 2,000 में से अभी मेरे पास हो चुके हैं $1,100। बट मुनाफा कितना होगा ये तो अभी पता चलेगा नहीं, पूरा मतलब प्रोडक्ट जो भी है वो बिक जाएगा, उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने टोटल मुनाफा कितना किया है। अगर कम हुआ तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, अगर ज़्यादा हो गया तो भाई ठीक ठाक ही है। अभी तो फिलहाल हमारा जो स्टोर है वो एक लेवल में है, और उसको आगे बढ़ाने काफ़ी ज़्यादा जल्दी। $165.52। हैव ए गुड डे। ब्लैक वाला की मैंने प्राइस कुछ ज़्यादा ही रखी थी। फाइनली गाइस, हमारा जो शॉप है काफ़ी ज़्यादा फुल्ली ग्रो कर रहा है, और इसने कितने लिए भाई, शायद से 7 मोबाइल।
इतने मोबाइल लेके जा कहाँ पर है, मेरे से लेके कुछ ज़्यादा दामों में तो नहीं बेच रहे ना? अगर ऐसा हुआ ना भाई तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे कस्टमर आए ना तो फिर अलग ही दिल लगता है धंधा करने में। टोटल मेरे पास मोबाइल कितने बचे ये मेरे को देखना पड़ेगा। रेड वाले 3 हैं, 2, 5 एंड 9, 9, 4, 13 या 12 मेरे पास बचे हैं, और इनको फटाफट से बेचने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो यार, 1717 करीब करीब मेरे को $500 तो मुनाफा होना ही चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इसने मेरे को $100 दिए और इसके बनते हैं $55, तो मेरे को इसको 44। हैव अ नाइस डे। ओके, 3 मोबाइल इसने भी ले लिए, इसका टोटल बनते हैं। ओ भाई यार, इसने भी 5 मोबाइल ले लिए। अपने जो भी पैसे थे वो सब के सब कवर हो चुके हैं। अभी मेरे को देखना है मुनाफा, ओनली मुनाफा। इसका टोटल हो चुका है, मेरे को वापस इसको देने कितने। फाइनली गाइस, अभी हमारे पास टोटल हो चुका है 2000, मतलब कि जो भी ऊपर के हैं $265 वो मुनाफे के। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही है। अभी टोटल मुनाफा हो जाए बस, उसके बाद पता चल जाएगा कि हमने आज में कितना कमाया। लास्ट मोबाइल 2 बचे हैं बस, लास्ट 2। ये सब कस्टमर है यार केस ज़्यादा लेके आए। मेरे को कार्ड पसंद है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कार्ड मेरे को पसंद है यार। अगर कार्ड लेके आओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मैं दे सकता हूँ अगर मेरे को अच्छा लगा तो, वरना तो फिर छुट्टे देने मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंटाल आ रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ। 164 point, चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड वापस जरूर आना यार। ऐसे कस्टमर रोज आए ना तो दिल लगा रहता है। अभी ये लास्ट कस्टमर है और मोबाइल भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अभी रात भी होने लग गई है। $1.84। फाइनली गाइस, ऑल प्रोडक्ट हैव बीन सोल्ड, नो न्यू कस्टमर विल कम एट नाइट। ओके यार, दिन भी ख़त्म हो चुका है। मतलब गाइस, पहले दिन के अंदर मैंने कितने कमा लिए, $861। मैंने सोचा नहीं था पहले दिन के अंदर मैं इतने कमा लूँगा, बट शॉप को तो 2 दिन हो चुके हैं। अभी उस आधे दिन को भी गिनो तो डेढ़ दिन के अंदर अंदर बंदे ने $800-850 कमा लिए, उससे और क्या चाहिए यार। तो गाइस आज के लिए बस नहीं, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो दिल से जोड़ो लाइक करो और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फैलने के लिए आप डेली देख सकते हो चैनल पर। शॉप का पहला दिन तो काफ़ी ज़्यादा मस्त था, बट आगे देखते आगे आगे होता क्या है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।